फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? फाइटो हार्मोन्स का मतलब होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय, तो पांच हार्मोन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन, तीसरा हार्मोन है इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, फोर्थ हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फोर्थ हार्मोन इज इथाइलिन, है ना, ये पांच हार्मोन। तो अगर हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट रोल की बात करें ऑक्सिन हार्मोन का, मुझे तो लगा कि कम बच्चे आएंगे, मैंने ऐसे आपको चलो ऐसे में बैठो 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 कम कम कर आ जाओ, वो इतने लेट से आगे तो क्या तो ऑक्सिन का काम क्या है? ऑक्सिन का काम है सेल इलॉन्गेशन, सेल को इलॉन्गेट कर, सेल को इलॉन्गेट करने का मतलब क्या हुआ? सेल को लंबा कर, सेल इलॉन्गेट कर मतलब लेंथ में इंक्रीज कर। इसके अलावा ये जो है इट विल प्रोमोट सेल डिवीजन, इट विल प्रोमोट सेल डिवीजन। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कोई गाना सुनाने वाला था, हाँ कोई अन्य गाना सुनाने वाला था, चारू का नाम करो, ये कौन आरुष, आरुष कौन सक्सेना हमने जल्दी बताओ प्रॉब्लम क्या है, लिख के बताओ यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज, मैसेज में लिख के बताओ, आवाज नहीं आ रही थी। दिख रहा है बच्चा सबको? वो बैठा दिख रहा है। जिबरेलिन का काम क्या होता है? जिबरेलिन का काम होता है इट विल ब्रेक डोरमेंसी। अब डोरमेंसी का मतलब क्या है? डोरमेंसी का मतलब होता है कि जो इनएक्टिव स्टेज होती है ना, इनएक्टिव स्टेज, उस इनएक्टिव स्टेज को ब्रेक करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन। जैसे कोई सीड है, अब सीड को जब तक प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, उस तरह की एनवायरमेंट नहीं मिलेगी, तब तक वो जो सीड है वो किस कंडीशन में होगा? वो होगा डोरमेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। तो उस डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करने का काम होता है जिबरेलिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन। ये जहां पे सेल का सबसे ज्यादा डिवाइडिंग पार्ट होता है, मतलब सबसे मोस्ट डिवाइडिंग पार्ट जहां पे होगा, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया, चाहे वो रूट में हो, स्टेम में हो, कहीं पे भी सेल डिवीजन जहां पे होना है वहां पे कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट का, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन। डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल डिवीजन, हां तो डिफरेंशिएशन तो करेगा ही करेगा, एक ही काम नहीं है ना इसका। अगर सबसे मेजर रोल पूछा, डिफरेंशिएशन तो है ही, मैंने चार पांच फंक्शन लिखा है, सेल डिफरेंशिएशन तो है ही, लेकिन मेजर रोल अगर एक रोल पूछा है तो एक रोल क्या हो जाएगा? सेल डिफरेंशिएशन भी करता है, सेल डिफरेंशिएशन भी करेगा। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे कि सिंपल कोई टिश्यू, सिंपल टिश्यू से कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है, जैसे कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उससे जो है कन्वर्ट होना है इनटू जायलम, तो जायलम क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू हो गया। तो सिंपल टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने की प्रोसेस सिंपल टिश्यू बोलेंगे, which will have the capability to divide, it will have capability to divide, इससे कन्वर्ट होना है किसमें? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? जिसमें कि डिवीजन करने की कैपेबिलिटी लॉस हो गई। ये जो कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है कि प्लांट में उस पार्ट को एक स्पेसिफिक फंक्शन अचीव हो गया, अब उसके बाद उसका फंक्शन चेंज नहीं हो सकता, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है ना, इसको डिफरेंशिएशन। ये कौन करेगा? ये करेगा लेकिन ये जो है ना, ये क्या करेगा? इस तीनों का उल्टा क्या करेगा? ये सेल की डिवीजन को रोकेगा, वापस नहीं कर सकता। अब जो सेल डिवाइड हो गया, दो सेल बन गया, तो दो सेल कंबाइन होकर एक सेल नहीं बन सकता, लेकिन ये क्या करेगा? ये करेगा कि अब आगे फर्दर जो डिवीजन होगी उसको ये मतलब इट विल स्टॉप सेल डिवीजन। और क्या करेगा? ये स्ट्रेस हार्मोन करने का मतलब कि जब प्लांट में कोई इस तरह का स्ट्रेस का सिचुएशन डेवलप होता है, तो उस स्ट्रेस के सिचुएशन से ओवरकम करने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक। जैसे मान लो कोई प्लांट है और उसको 15-20 दिन से खाना नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा, और उसका जो रिजर्व फूड है वो भी खत्म, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो अपनी रिक्वायरमेंट को कम रिक्वायरमेंट करेगा, उसके लीव्स जो है वो ड्रूप ऑन फूट के गिरने शुरू होंगे, उसके ब्रांचेस डेड ऑफ होने शुरू होगी,
उसके बाद क्या होगा कि उसकी स्टोमेटा क्लोज रहेगी, मतलब जितने जिस भी तरीके से वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है वो सारा काम करेगा। स्टोमेटा बंद कर लेना, बिल्डिंग ऑफ द लीफ, बिल्डिंग बिल्डिंग का मतलब क्या होता है मुरझाना, जैसे देखिए कोई प्लांट ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा सनलाइट में है वो मुरझा के नीचे, लेकिन फिर जब पानी दोगे तो फिर से पौधे की तरह, उस प्रोसेस को बिल्डिंग बोलते हैं। तो इसका काम क्या होगा, स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम। ये जो हार्मोन है इथाइलिन, दिस इज द ओनली गैसियस हार्मोन ऑफ द, ये गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम होता है रूट रैपनिंग, रूट रैपनिंग में। ठीक है, समझ में आ गया फाइटो हार्मोन्स के बारे में। चलिए अब हम लोग समझे ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि जब किसी स्टिमुलस के लिए प्लांट में परमानेंट मूवमेंट होती है, मतलब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर प्लांट में वहां पे वाटर के कारण स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स हो रही है तो उस तरह के मूवमेंट को बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। वाटर के कारण मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ये टेम्पररी होगा थोड़े टाइम के। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें ये परमानेंट होगा, मतलब एक बार ग्रोथ हो गया नए सेल बन गए तो वो वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा, वो टेम्पररी होगा थोड़े टाइम के लिए होगा तो वो वापस रिवर्ट बैक हो सकता है। ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो मूवमेंट होती है, स्लो प्रोसेस होती है। नेस्टिक मूवमेंट जो होगी वो फास्ट प्रोसेस होगी, इमीडिएट वहां पे एक्शन। अब अगर मान लीजिए प्लांट में लाइट के कारण कोऑर्डिनेशन हो रही है तो उस तरह की जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी लाइट के कारण, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। और लाइट के कारण जो नेस्टिक मूवमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे फोटोनेस्टिक। इसी तरह से वाटर की बात करें, वाटर के कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। और वाटर के कारण नेस्टिक मूवमेंट नहीं होती। ग्रेविटी की बात करें, हीलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है। ग्रेविटी के कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी के कारण नेस्टिक मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट केमिकल के कारण, केमिकल के कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। इसके कारण कोई नेस्टिक मूवमेंट नहीं होगी। सिमिलरली एक और मूवमेंट है टच या प्रेशर के कारण, टच और प्रेशर के कारण। इसके कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। और इसके कारण जो नेस्टिक मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं थिग्मोनास्टिक। ठीक है बच्चों, ये क्लियर? तो यहां हम बोलो केमिकल से की कनेक्शन में, हां होगी होगी होगी, बिल्कुल होगी, केमिकल से भी होगी, इसको हम लोग बोलेंगे थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक। ठीक है, और लाइट का ही फोटोट्रॉपिज्म का एक स्पेसिफिक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। ये इसी का एक स्पेसिफिक केस जो कि कहां पे होता है, सनलाइट। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सर कल हमने फोटोट्रॉपिज्म कर लिया था, कर लिया था फोटोट्रॉपिज्म। पढ़ दो, हां पढ़ दो, खड़े हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट का एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम वाले पार्ट पे अगर अभी सनलाइट चारों ओर से आए तो यहां पे क्या होगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है दैट विल बी डिफ्यूज्ड यूनिफॉर्मली चारों ओर। अगर लाइट हर डायरेक्शन से आ रही है तो यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जैसे मान लो कि ये कोई वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट में ये जैसे मान लो ये प्लांट है और इसमें अभी लाइट चारों ओर से आ रही है, लाइट चारों ओर से आ रही है तो अभी चारों ओर बिल्कुल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपने मान लीजिए लाइट को एक साइड से रिस्ट्रिक्ट कर, इस साइड से आपने लाइट को रिस्ट्रिक्ट किया, लाइट अभी सिर्फ इधर से आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ऑक्सिन हार्मोन उस वाले एरिया में जहां पे शेडेड रीजन है उधर की ओर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सिन इज डिपॉजिटेड इन शेडेड रीजन, लाइट नहीं है उस वाले। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो प्लांट है इस प्लांट में उस की तरफ ग्रो होने लगेगी। यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये स्टेम, अब स्टेम में ऑक्सिन की डिपॉजिशन किधर हो रही है, किस वाले ये पार्ट में, जिधर शेडेड रीजन है वहां पे डिपॉजिशन हो रही है क्योंकि लाइट इधर से आ रही है और इधर से आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिपॉजिशन यहाँ पे शेडेड रीजन। अब उसका रिजल्ट क्या हो, अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम है सेल इलांगेशन। तो जिस तरफ ऑक्सीजन डिपॉजिटेड है उस तरफ ज्यादा इलांगेट होगा और ज्यादा इलांगेट होगा तो क्या होगा, ये प्लांट बेंड कर जाएगा टुवर्ड द लाइट, जिधर से लाइट आ रही थी उधर की ओर बेंडिंग होगी, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। इसको हमने बोला फोटो, यही प्रोसेस है फोटोट्रॉपिक। अगर हम प्लांट के केस में देखें, ठीक है देखिए, अगर हम प्लांट के केस में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लांट है इसकी तरफ लाइट की तरफ ऐसे ग्रो होने लगता है, ऐसे ऐसे लाइट की तरफ ग्रो होने लगता है। तो ये फेनोमेनन वहां पे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलिए फोटोट्रॉपिज्म के बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रोथ मूवमेंट।
अब यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि आपने ले लिया एक पॉटेड प्लांट और इस पॉटेड प्लांट को आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दिया, इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टली रख दिया पॉटेड, ये अभी इसकी रूट है, आपने ऐसे रख दिया और कुछ दिनों के लिए आपने इसको छोड़ दिया। तो आफ्टर सम डेज वहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि इस प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ ऐसे हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की ओर ग्रोथ हो रही है, और इसकी जो रूट की ग्रोथ है वो नीचे की तरफ है। तो इसकी जो स्टेम वाली पार्ट है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, स्टेम ग्रोथ हो रही है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो जो रूट की ग्रोथ हो रही है वो हो रही है टुवर्ड्स ग्रेविटी। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डियोट्रोपिज्म और इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डियोट्रोपिज्म। स्टेम के केस में नेगेटिव डियोट्रोपिज्म और रूट के केस में पॉजिटिव डियोट्रोपिज्म। स्टेम के केस में जो ऑक्सिन हार्मोन की डिपोजिशन है वो नीचे वाले, इधर वाले रीजन में, नीचे वाले पार्ट में स्टेम हुए और रूट में ऊपर वाले पार्ट में, सो दैट उसकी इलॉन्गेशन यहां पे हुई, यहां पे इलॉन्गेशन इधर हुई, तो ऐसे होता है डियोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के टुवर्ड प्लांट की ग्रोथ। ऐसे सपोज करो कि एक हमने बड़ा सा कोई वेसल ले लिया और इस वेसल में हमने सॉइल डाला, यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया, एक हमने इधर प्लांट लगा दिया और इधर सॉइल है, सॉइल में एक हमने अर्थन पॉट डाल दिया, मिट्टी का घड़ा, और उस मिट्टी के घड़े में हमने डाल दिया पानी भर के यहाँ पे, तो मिट्टी के घड़े से पानी बाहर निकलेगा और इसके अगल बगल की जो सॉइल होगी वो सॉइल क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। यहाँ पे हो गया वेट सॉइल, ये हो गया सॉइल। अभी नॉर्मल कंडीशन, कुछ दिनों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप उसमें देखोगे कि रूट की जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है टुवर्ड द वाटर। यहाँ पे पानी था, यहाँ पे प्लांट था, प्लांट की जो रूट है सारी रूट की ग्रोथ इधर की तरफ, इधर की तरफ टुवर्ड वाटर। यहाँ पे वेट सॉइल था, वेट सॉइल, यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और रूट की जो ग्रोथ हो रही है पॉजिटिव। समझ में आया, ये हो गया जियोट्रोपिज्म और ये हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म, ये हो गया था हमारा फोटोट्रोपिज्म। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल क्यों, इसके बारे में अभी हमने पिछले दो तीन क्लास वाले ही पढ़ा था, जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा का के अंदर में ये हो गया ओव्यूल और ओव्यूल में यहाँ पे हो गया सिनर्जिक सेल, यहाँ पे हो गया एग सेल, इधर हो गया पोलर न्यूक्लियस। तो जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन इंसिडेंट हुआ, ये जो नीचे में सिनर्जिक सेल है, इस सिनर्जिक सेल के पास जैसे ही केमिकल कम्युनिकेशन हुआ कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुंच गया सेम स्पीसीज का, तो वैसे ही ये सिनर्जिक सेल क्या करता है, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग केमिकल, अब उस केमिकल की टुवर्ड पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ होने लगेगी, इधर की ओर टुवर्ड द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिनर्जिक, ठीक है, टुवर्ड द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिनर्जिक, इधर की तरफ ये ग्रो होने, ये इधर की तरफ ग्रो होने शुरू। इस ट्यूब को हमने बोला, इस ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब पॉलन ही था, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो किधर की ओर हो रही है, टुवर्ड द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिनर्जिक। इसी मैकेनिज्म का, इसी प्रोसेस का नाम है कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के टुवर्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल के टुवर्ड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। द पॉलन ट्यूब विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सिनर्जिक, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और कौन सा बच गया टॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का क्या एग्जांपल है, जैसे कुछ प्लांट आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई प्लांट लगा है तो जिस प्लांट का भी स्टेम सॉफ्ट है, अब उस प्लांट के बगल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टिक लगा देते हैं, तो इस प्लांट की जो टेंड्रिल है वो टेंड्रिल इसके चारों ओर ऐसे ग्रो होने लगती है। देखा आपने, इस तरह से इसके चारों ओर ग्रो होने लगती है। ये क्यों ग्रो होती है, वो इसलिए ग्रो होने लगती है क्योंकि इसका स्टेम है सॉफ्ट, सॉफ्ट स्टेम, तो इसकी जो टेंड्रिल है यहाँ पे, ये टेंड्रिल जैसे ही किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करेगी, हार्ड ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच करेगी, तो टच करने के साथ ही वहां पे ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के कारण उसके चारों ओर कॉइल हो जाते हैं। स्टिग्मा वर्ड का मतलब क्या, टच या फिर प्रेशर, टच या प्रेशर की टुवर्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मोट्रोपिज्म। ये किस तरह के प्लांट में होता है, उस तरह के प्लांट में जिसकी स्टेम सॉफ्ट होती है विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल, ये उसके चारों ओर कॉइल, क्यों कॉइल करेगा, रीजन क्या है, ये ऊपर की ओर ग्रो करेगा, क्योंकि अगर ये टेंड्रिल का हेल्प नहीं लेता ऊपर की ओर ग्रो नहीं करता, ऊपर की ओर ग्रो करना क्यों जरूरी है, सो दैट कि मैक्सिमम सनलाइट उसको मिल पाए इसके। तो ये हो गया सारा टॉपिक, जितने भी टेंडिल वाले प्लांट सबके साथ। अब हम लोग आ जाते हैं नेस्टिंग मूवमेंट, सबसे पहले नेस्टिंग मूवमेंट देखते हैं, फोटो नेस्टिंग।
फोटोनास्टिक क्या एग्जांपल है फोटोनास्टिक का? फोटोनास्टिक का एग्जांपल है लोटस, मून फ्लावर, डैंडेलियन। इस सब के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो रिस्पांस होती है वो रिस्पांस होती है टुवर्ड लाइट, टुवर्ड्स लाइट। जैसे लोटस में इट विल ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोजेस इन नाइट। मून फ्लावर में क्या होगा, इसका जैसा कुछ नाम ही है मून फ्लावर, मतलब रात में ओपन होगा दिन में बंद हो जाएगा। डैंडेलियन में भी ऐसा ही होता है, ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोजेस इन नाइट। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो वाटर के मूवमेंट के कारण, जितने भी नास्टिक मूवमेंट है सब के सब नास्टिक मूवमेंट या नास्टिक कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। नास्टिक कोऑर्डिनेशन जो होगा वो होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसलिए ये सब टेम्पररी होता है। तो ये फोटोनास्टिक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं केमोनास्टिक। केमोनास्टिक केमिकल देखो, इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं पीचर प्लांट, वीनस प्लांट, कंड्यू। अब ये सब जो प्लांट है ये सब क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पीचर प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये प्लांट है, यहाँ पे हेडिंग हुआ और इसमें पीचर लाइक स्ट्रक्चर है, जब ग्रो किया और यहाँ पे इस तरह से लीफ ग्रो करते हैं। इसकी जो अपनी लीफ है वो लीफ भी ग्रीन कलर की। अब अगर लीफ ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल वहां पे तो है, और जब क्लोरोफिल वहां पे है तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। तो फिर ये इंसेक्ट को क्यों कंज्यूम कर रहा है इस? हाँ बिल्कुल, तो ये जो इंसेक्ट को कंज्यूम कर रहा है दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। इट कंज्यूम्स सैप फ्रॉम इंसेक्ट टू कंप्लीट इट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ही ये क्या करता है, केमोनास्टिक करता है, मतलब वहां पे इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रो ही वैसे सोइल पे कर रहा है जहां पे कि नाइट्रोजन कम है। ठीक है, ये हो गया केमोनास्टिक। समझ में आ गया केमोनास्टिक? चलो अब हम लोग आ जाते हैं केमोनास्टिक के बाद नेक्स्ट में पिग्मोनास्टिक। पिग्मोनास्टिक जो होगा दैट इज ड्यू टू टच परफेक्शन। इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है मिमोसा, या इसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। इस प्लांट में एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म है ना, ये एक्चुअली इसका डिफरेंस मैकेनिज्म। इस प्लांट में क्या होता है, जैसे ये लीफ है, मान लो कि ये इसका लीफ, इसके लीफ में ऊपर और नीचे पल्विनस इस तरह का सॉलिड पार्ट, यहाँ पे भी और यहाँ, और इसके जस्ट नीचे इस तरह के कांटे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जब कोई ग्रेजिंग एनिमल्स इसको टच किया, जैसे इसको टच किया गया, तो क्या होता है, अभी इस वक्त जब वो ओपन है ना, तो ओपन कंडीशन में इसके ऊपर वाले पल्विनस में और नीचे वाले पल्विनस में, ये हो गया अपर पल्विनस और ये हो गया लोअर पल्विनस, दोनों पे यूनिफॉर्म वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण ये लीफ अभी ओपन। अब जैसे ही टच किया गया तो वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वाटर स्टार्ट्स मूविंग कहां से, कहां, अपर पल्विनस से लोअर पल्विनस, जिसके कारण क्या होगा, लोअर पल्विनस विल बिकम टर्टिल। पहले सेम था तो वो ओपन था, जब वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हुई तो इट विल बिकम मोर टर्टिल। टर्टिल का मतलब क्या हो गया, हार्ड हो गया। हार्ड हो गया तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल क्रिएट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो हो गया सॉफ्ट और नीचे वाला पार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इट विल क्रिएट प्रेशर इन अपवर्ड। अब प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, लीफ जो है वो ऐसे क्लोज हो गया। इधर की लीफ में भी हुआ और इधर जो लीफ थी उसमें भी सेम यही चीज हुआ, दोनों लीफ में सेम हुआ। यहाँ पे जो पल्विनस था उसने भी ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट किया, दोनों लीफ ऐसे बंद हो जाएगी और इसके जो नीचे कांटे थे ना वो कांटे बाहर आ गए। अब ग्रेजिंग एनिमल्स को नहीं खाया, ये इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वाटर की मूवमेंट फिर से नॉर्मल होगी और ये पहले की तरह ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया पिग्मोनास्टिक टॉपिक और नास्टिक मूवमेंट क्लियर?